एडमिरल करमवीर सिंह वो वर्तमान में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। उन्होंने एडमिरल सुनील लांबा का जगह लिया है। 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद सीएनएस के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। अपने उद्गम से पहले एडमिरल सिंह ने नौसेना स्टाफ और ध्वज अधिकारी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जुलाई 1980 में उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 1982 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने पंखों की अर्जित किया। उन्हें एचएल चेतक कामे 25 और कामे 28 हेलीकॉप्टर के साथ व्यापक अनुभव है। उन्होंने आईएनएस राणा, आईएनएस दिल्ली की भी कमान संभाली है। उन्होंने पश्चिम बेड़े के बेड़े संचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। असुर उन्होंने नौसेना मुख्यालय में संयुक्त निदेशक नौसेना वायु कर्मचारी के रूप में मुंबई और में नौसेना वायु स्टेशन के कप्तान वायु और प्रभावी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। फ्लैग रैंक को बढ़ावा देने पर एडमिरल को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण ध्वज नियुक्तियों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ध्रुव सेवा एकीकृत कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र और गुजरात नौसेना क्षेत्र में शामिल भी किया गया था। प्रोजेक्ट सीबेक के महानिदेशक के रूप में उन्होंने कारवार में नौसेना के नए अधिकार के विकास को रोक दिया था और नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में काम करते रहे। उन्होंने 31 अक्टूबर 2017 को पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ का पद संभाला। वाइस एडमिरल आशीष विष्ट सफल रहे। 39 साल के करीब की करियर में उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 23 मार्च 2019 को भारत सरकार ने उन्हें वाइस एडमिरल विमल शर्मा का समर्थन करते हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का नाम दिया। वो पहले हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया।